वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने एक्सक्रीशन शुरू किया और एक्सक्रीशन के बारे में हमने समझा कि एक्सक्रीशन क्या होता है, फिर हमने समझा कि जो वेस्ट मटेरियल रिलीज होते हैं उसके बिहाफ पे हमने ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। अब हम ह्यूमन में किस तरह से एक्सक्रीशन होता है उसको समझने के लिए हम सबसे पहले ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की यदि बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। इट कंटेन क्या क्या रहेगा इसमें? इसमें वन पेयर ऑफ किडनी होगा, वन पेयर ऑफ किडनी, इसके अलावा इसमें रहेगा वन पेयर यूरेटर, वन पेयर ऑफ यूरेटर, इसके अलावा इसमें होगा यूरिनरी ब्लैडर, रहेगा और यूरेथ्रा होगा। तो ये सब चीजें जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें देखी जाती हैं। एक बार हम ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले इसमें बीन शेप किडनी रहेगी, किडनी के ऊपर ये एक ग्लैंड देखा जाता है, इसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और इसमें ये रहेगा आर्टेरियल सप्लाई, और एक रहेगा इसमें वेन।
वेनल सप्लाई। आर्टरियल सप्लाई हो गया, वेन सप्लाई हो गया, हो गया वेन सप्लाई। ये जो रेड वाला है इसको बोलेंगे हम रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। और जो ब्लू है दिस इज कॉल्ड रीनल वेन। रीनल आर्टरी हो गया, रीनल वेन हो गया। जो ये किडनी के ऊपर स्ट्रक्चर देखे जा रहे हैं दिस इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड ये हो गई आपकी किडनी। ये किडनी हो गया और जो ये ट्यूब यहाँ पे देखी जाएगी जिसमें ये ओपन करेगा किडनी, दिस इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस ये जो ट्यूब जा रही हैं ये कहलाएंगे यूरेटर। वन पेयर हो गए, ठीक है, वन पेयर यूरेटर हो गए और यूरेटर जाके ओपन करेगा यूरिनरी ब्लैडर में। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ये हो गया यूरेथ्रा, जो यूरिनरी ब्लैडर जहां ओपन कर रहा है वो हो गया यूरेथ्रा। ये है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसे ड्रॉ कर लें और इसके बाद हम इसके एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम किडनी को पढ़ेंगे। अभी हमने एक ओवरव्यू देखा, अब हम किडनी को कंप्लीट पढ़ेंगे। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि किडनी में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। आप ये डायग्राम ड्रॉ करें और इसके बाद हम आगे बात करें। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किडनी को, हेडिंग देते हैं किडनी। किडनी की बात करते हैं। किडनी की यदि बात करें
तो ये कितनी है, वन पेयर है, वन पेयर होती है किडनी। और ये कैसी होती है, डार्क रेड कलर की होती है, डार्क रेड। कुछ बुक्स में आपको पिंकिश कलर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये बीन शेप होती है, बीन शेप, जैसा राजमा है ना, राजमा जैसे शेप की होती है। इसके अलावा इनकी यदि हम लेंथ देखें या विड्थ देखें, थिकनेस देखें, तो लेंथ है इसकी 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके अलावा 6 सेंटीमीटर वाइड, और थिकनेस देखोगे तो वो है 4 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, आगे देखें, यदि ह्यूमन के अंदर हर एक किडनी का वेट कितना है, तो एक किडनी जो है वो लगभग 150 ग्राम के आसपास होती है। ईच किडनी इज अराउंड 150 ग्राम इन वेट, लगभग 150 ग्राम की एक किडनी है। ठीक है, और ये किसमें है, ये है मेल के अंदर, इन मेल्स। लेकिन यदि मैं फीमेल की बात करूंगा, इन फीमेल, फीमेल में ये होती है 135 ग्राम। चलिए अब देखिए आगे, इसके आगे बात करें तो किडनी की लोकेशन क्या है। किडनी जो है ये एब्डोमिनल कैविटी में देखी जाती है, और जो डोर्सल बॉडी वॉल है उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई किडनी इज लोकेटेड लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। तो कहाँ होती है ये, एब्डोमिनल कैविटी में होती है, एब्डोमिनल कैविटी में है। ठीक है, और अटैच कहाँ पर है ये, एंड अटैच टू, अटैच टू डोर्सल बॉडी वॉल, डोर्सल बॉडी वॉल। ठीक है, एक साइड से तो डोर्सल बॉडी वॉल जुड़ा है, एंड ऑन वन साइड, वन साइड विद या वन साइड ऑफ बैकबोन, ये बैकबोन के एक साइड पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए आगे यदि बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो लेफ्ट किडनी होती है ना, वो जनरली क्या होती है, हाइयर होती है राइट किडनी के कंपैरिजन में। तो हम ये बोल सकते हैं लेफ्ट किडनी इज लिटिल हाइयर देन राइट, राइट के कंपेरिजन में लेफ्ट थोड़ी हाइयर है। अब किडनी का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, एक बार हम किडनी को कट करके देखते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं।
बात करते हैं अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी को यदि कट करके देखेंगे तो बीन शेप है कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, इसमें बाहर एक कैप्सुलस शीट होती है, कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिंग लेयर जो इसको कवर करके रखती है। और इस कवरिंग को जो किडनी को सराउंड करके रखेगा इसे बोलते हैं रीनल कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। किडनी में दो जोन बनते हैं, दो एरिया बनते हैं। एक तो ये होता है पेरिफेरल जोन जो होता है ये, जो टर्मिनल पे देखा जा रहा है वो जोन है किडनी का जो टर्मिनल की तरफ है, इसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स और जो अंदर है इनर जोन, दिस इज कॉल्ड रीनल मेडुला। रीनल मेडुला, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ पिरामिडल शेप के, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। और ये जो पिरामिडल शेप के स्ट्रक्चर में देखे जा रहे हैं ये कहलाते हैं रीनल पिरामिड। इनका एक साइड रीनल कॉर्टेक्स की तरफ होता है और एक साइड जो है वो मेडुला में जाके ओपन करता है। और यही जो रीनल पिरामिड है इन्हीं के अंदर किडनी की फंक्शनल यूनिट भी देखी जाती है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ये ना आगे पीछे नहीं होते हैं, जैसे यहाँ आगे पीछे बन गया ना एक आधा, तो आगे पीछे नहीं है ये, इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे। दीज आर कॉल्ड रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड जहां ओपन कर रहा है, इसकी जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को बोलते हैं रीनल कैलाइसिस। जो स्मॉल ओपनिंग एक एक दिखाई दे रही है आपको थिनर, ये कहलाती है माइनर कैलाइसिस। ये जाके इस तरह से ओपन करेगा और ये जो ओपनिंग है ये कहलाती है माइनर कैलाइसिस। दिस इज कॉल्ड माइनर कैलाइसिस। और यही माइनर कैलाइस ज्वाइन कर जाएंगे आपस में
और ये मिलके जो एक ओपनिंग बनाएंगे, ये कहलाएगा मेजर कैलाइसिस। मेजर कैलाइसिस जाके जिसमें ओपन करेंगे, ये जिस पार्ट में ओपन करते हैं इसे बोलते हैं, इस पूरी बिगर ओपनिंग को, ये जो है ये बिगर ओपनिंग, इसे बोला जाएगा रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस जाके ओपन कर जाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में इस तरह से, और इसको बोलते हैं यूरेटर। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इसे नोट कर लें और इसके बाद हम आगे बात करेंगे। बाकी हम ब्लड सप्लाई जो है इसके अंदर ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है ये बता चुके हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लें। ये हमने आज किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लिया, सारी बातें उसके बारे में समझ ली, किस किस तरह से क्या है इसमें, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें देखी जा रही हैं, वो चीज देख ली। एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे बाहर किडनी में एक फाइबरस कवरिंग देखी जाती है जिसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, काम होता है प्रोटेक्शन। रीनल कैप्सूल के अंदर किडनी में दो जोन बनते हैं, एक तो जो मेम्ब्रेन की तरफ होगा पेरिफेरल होगा उसको बोलेंगे रीनल कॉर्टेक्स, और एक जो इनर साइड में बनेगा उसको बोलेंगे रीनल मेडुला। इसके अलावा इसमें कुछ ये पिरामिडल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिनको बोला जाएगा रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड कॉर्टेक्स से मेडुला तक देखा जाएगा, और रीनल पिरामिड जहाँ ओपन करता है, जिस ट्यूब में ओपन करता है उसको बोलते हैं माइनर कैलिस। माइनर कैलिस मिलके बनाती है मेजर कैलिस, और मेजर कैलिस से फिर जो मेजर कैलिस जिसमें ओपन करता है उसको बोलते हैं हम लोग रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस जाके ओपन कर जाएगा यूरेटर के अंदर, ठीक है। तो आज हमने ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम को शुरू किया, एक कंप्लीट डायग्राम देख लिया पूरा, और उसके बाद हमने देखा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस किडनी में जो रीनल मेडुला देखा जा रहा है उस रीनल मेडुला में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज यहाँ तक करके रखते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।